हे गाइस, वेलकम टू टेका नेल। एंड आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक एड मनी का प्रोमो कोड लेके आ चुका हूँ। एक्चुअली एड मनी का प्रोमो कोड नहीं है, बट आप इस प्रोमो कोड को ऐसे यूज कर सकते हैं कि आप अगर कोई 75 रुपये यानी 75 रुपये से ज़्यादा का कोई अगर मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो आप इस प्रोमो कोड को यूज करके 50 रुपये का फ़ायदा ले सकते हैं। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये में आपको जो है 75 रुपये यानी 75 रुपये का जो रिचार्ज है वो होने वाला है। तो कौन सा एप्लीकेशन है, किस तरीके से आपको इस एड मनी को लेना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, वीडियो में मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। वैसे जो एप्लीकेशन जो ऑफर एप्लीकेशन आपको दे रहा है वो है फ्री चार्ज, बट ये ऑफर सभी अकाउंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पहले आप वो समझ लीजिए। आप अगर इस प्रोमो कोड को ट्राई करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपना फ्रीचार्ज एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद मोबाइल रिचार्ज सेक्शन पर आइए और मोबाइल रिचार्ज सेक्शन पर आने के बाद कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल दीजिए। तो मैं सिंपली एक मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल चुका हूँ और यहाँ पर आपको मैं सिंपली फ्री जो है व्यू प्लान करके यहाँ पर 95 रुपये का प्लान ले लेता हूँ, क्योंकि 75 रुपये का तो कोई प्लान नहीं आता है। तो मैं इस प्लान को सिलेक्ट करता हूँ और इस प्लान को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोमो कोड में लिखना है आर डे फिफ्टी। आप जैसे लिख देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं याहू रेडी 50, यहाँ पर देख सकते हैं यू हैव अप्रूव सक्सेसफुली कैशबैक। मतलब इस प्रोमो कोड को अप्लाई करने के बाद मुझे यहाँ पर जो है 50 रुपये का जो कैशबैक है वो यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप सर बहुत लोग सोच रहे होंगे पेमेंट करते टाइम हम किससे पेमेंट कर रहे हैं। गाइस, आप किससे भी पेमेंट कर सकते हैं, अपना फ्रीचार्ज का वॉलेट बैलेंस से भी पे कर सकते हैं। आप चाहे तो अपना फ्रीचार्ज UPI एड्रेस जो है यूज करके भी जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जैसे इस प्रोमो कोड को अप्लाई करेंगे तो आप सिंपली इस प्रोमो कोड को यूज कीजिए, तो आपका जो 95 रुपये का जो रिचार्ज है वो यहाँ पर सिंपली जो है सिंपली 45 रुपये जो हो जाएगा। तो एक बहुत ही बढ़िया प्रोमो कोड है जो मैंने आपको बताया। आशा करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर अगर न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।